राधा विनोद पाल, क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है? अगर आपका जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो राधा विनोद पाल जी को नहीं जानते, बल्कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो ना तो इन्हें जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, क्योंकि भले इन्हें भारत में कम मान सम्मान मिला हो, लेकिन जापान में न सिर्फ लोग इन्हें जानते हैं बल्कि राधा विनोद पाल जी को भगवान की तरह पूजते भी हैं। तभी तो जापान के यासुकुनी मंदिर और क्योटो के योरजेन गोकोउ देवालय में इनकी याद में विशेष स्मारक बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी किस्से चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 27 जनवरी 1886 को राधा विनोद पाल का जन्म तत्कालीन बंगाल में हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय न्यायाधीश थे, जिन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली और उसके बाद 1923 से 1936 तक इसी विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे। 1941 में राधा विनोद पाल की नियुक्ति कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हुई। इसके अलावा वो अंग्रेजों के सलाहकार भी थे। फिर राधा विनोद पाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे टोक्यो ट्रायल्स में भारतीय जज थे। उस समय उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। सभी 11 जजों में वो एकमात्र ऐसे जज थे जिन्होंने सभी युद्ध अपराधियों को निर्दोष माना था। इन युद्ध बंदियों में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो सहित 20 से ज्यादा नेता और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। जज राधा विनोद पाल जी ने अपने फैसले में लिखा कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने को विश्व युद्ध के विजेता देशों की जबरदस्ती बताया और सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था, जबकि बाकी 10 जजों ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी थी। इसलिए ही जापान में राधा विनोद पाल जी आज भी एक महान व्यक्ति की तरह सम्मानित हैं। इसके अलावा जापान ने राधा विनोद पाल जी को 1966 में जापान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया था। राधा विनोद पाल जी को हमेशा भारत और जापान के बीच रिश्ते की सबसे बड़ी कड़ी के तौर पर देखा जाता है। 10 जनवरी 1967 को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भले ही आज भारत में उनकी विरासत के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन जापान में उनकी प्रशंसा और सम्मान में कई पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की गईं। साल 2007 में NHK ने उनके जीवन पर आधारित 55 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी जापान में टीवी पर दिखाई गई। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात भी की थी। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी भी शामिल थे, जो बाद में जापान के प्रधानमंत्री भी बने। जो लोग राधा विनोद पाल जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और दक्षिण कोलकाता में रहते हैं, वे 16F डोवर लेन दक्षिण कोलकाता में पाल के पारिवारिक निवास स्थान पर जा सकते हैं, जिसे अब एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, जहां पाल जी द्वारा लिखित लेख, दस्तावेज, तस्वीरें और पत्रिकाएं आज भी संभाल कर रखी गई हैं। इसके अलावा राधा विनोद पाल जी पर नेटफ्लिक्स पर 4 पार्ट की एक मिनी सीरीज भी है, जो टोक्यो ट्रायल पर आधारित है। इस सीरीज में उनकी भूमिका मशहूर अभिनेता इरफान खान ने निभाई है और इसका नाम भी टोक्यो ट्रायल है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।